कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी हो हमारे पिछले वॉकअप क्विज के विनर। इसलिए गाइस सभी को मैंने किया वीडियो को स्टार्टिंग में फीचर, एंड गाइस आप सभी को मिल रहा है एक प्यारा सा शाउट आउट। एंड गाइस अगर आपको भी हमारे अगले वीडियो के अंदर फीचर होना है तो इस वीडियो के लास्ट में एक वॉकअप क्विज आएगा, आपको सिंपल से उसका आंसर कमेंट्स के अंदर डाल देना है। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड बहुत ही तगड़ी अपडेट्स आ चुकी है गाइस। लिटरली कोरोकोरो मैगजीन ने इस बार तहलका मचाया, जब उन्होंने सीधा 6 पेजेस गाइस न्यू दिखाए है पोकेमोन जर्नीस के, जिसके अंदर बहुत सारे पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड अपडेट्स है। खासकर गाइस एपिसोड 118 जो कि एश वर्सस स्टीवन की मैच होगी गाइस, उससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स है। साथ ही साथ गाइस सेमीफाइनल राउंड से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट्स है, एंड ऐसे ही बहुत कुछ है। सो सारे के सारे अपडेट्स मैं आपको आज के अंदर दिखाने वाला हूं। खास करके गाइस एश वर्सस स्टीवन के मैच के बहुत सारे अलग अलग बैटल शॉट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो गाइस ये सब मैं आपको आज के वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस ये है सबसे पहले 2 पेज जो कि आप देख सकते हो, जो कि एक तरफ एश एक तरफ स्टीवन है। तो गाइस ये दोनों आपको अच्छे से नहीं देखें तो इसके हम अलग अलग 2 पार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम स्टीवन वाला देखेंगे, उसके बाद हम एश वाली साइड देखेंगे। सो गाइस ये स्टीवन का पेज है, यहाँ पे सबसे ऊपर दोनों ट्रेनर्स पोकेबॉल फेंक रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। एंड उसके साइड में लिखा गया व्हाट विल हैपन इन द 4th मैच, यानी कि 4th मैच के अंदर कौन जीतेगा। एंड उसके नीचे 3 पोकेमॉन देखने को मिल रहा है, जो कि एग्रोन, क्रेडिली एंड शाइनी मेटाग्रॉस, जो कि स्टीवन के इस मैच का पोकेमॉन होने वाला है। उसके क्रेडिली के सामने क्रेडिली का बैटल सीन देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रेडिली इज अ वेरी रेयर पोकेमॉन एंड ही यूज वेरी यूनिक मूव्स इन दिस मैच। यानी कि गाइस सच में क्रेडिली बहुत ही ज्यादा यूनिक पोकेमॉन है। इसको हमने शायद से 3 या फिर 4 एपिसोड के अंदर देखा होगा, पूरे पोकेमॉन यानी कि अब तक के पूरे पोकेमॉन के अंदर पिछले बार शायद से हुइन के अंदर देखा था, उसके बाद मुझे तो याद नहीं इसको हमने कभी देखा हो। तो वो इस मैच के अंदर यूनिक मूव्स यूज करेगा। उसके नीचे देख सकते हो हमें देखते हो मिल रहा है एग्रॉन, जो कि स्टोन मतलब सॉरी आयन हेड मूव यूज कर रहा है शायद से, बिकॉज वही मुझे दिख रहा है। उसके नीचे मेगा मतलब जो स्टीवन है अपने पोकेमॉन को मेगा कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पर लिखा है स्टीवन स्ट्रेटजी एज अ हुइन चैंपियन, स्टीवन इज अ एस कलर ऑफ डिफरेंट मेटाग्रॉस, इजी टू अटैच सच, देयर आर 3 टफ पोकेमॉन बाउंस। यानी कि गाइज उन्होंने कहा है कि जो हुइन मतलब स्टीवन है, वो हुइन का चैंपियन है, वो एक अलग ही मतलब जो अलग ही लेवल का एक ट्रेनर है, जिसके पास उसके 3 S पोकेमॉन है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हुइन रीजन को। साथ में गए तो उसका जो मेटाग्रॉस है उसका अलग कलर है, जो कि उसको मतलब एक बहुत ही यूनिक पोकेमॉन बनाता है। तो ऐश कैसे जीत पाएगा, ऐसा यहाँ पे सब कुछ लिखा है। सो गाइज अब हम देखेंगे गाइज एश की साइड, एंड एश की साइड के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग इमेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोनों के बीच में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैकविश देखने को मिल रहा है, एंड उस साइड गाइज था मेटाग्रॉस। दोनों की बैटल जो होने वाली गई इस एपिसोड की काफ़ी अमेजिंग बैटल होगी, लेकिन इस एपिसोड में यानी कि गाइज इस एपिसोड के अंदर ये जो बैटल है ये ड्रैकविश हार जाएगा, बिकॉज गाइज हमने देखा कल जो अपडेट आए थे उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल बैटल होगी वो झीमू वाले पिकाचू वर्सेज गाइज मेगा मेटाग्रॉस के अंदर होगी। तो सॉरी टू से बट ड्रैकविश ये बैटल हार जाएगा, बिकॉज गाइस उससे पहले वो एक और बैटल लड़ चुका है, तो वो जीत के सेकंड बैटल हारने वाला है। एंड उसके उस सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि जो पे लिखा है दी अदर पार्टी इज अ स्टील टाइप यूजर, एंड उसके नीचे लिखा है हाउ डज सातोशी कैप्चर द डस्टी पोकेमॉन, यानी कि जो दूसरी पार्टी वो एक स्टील टाइप पार्टी है। तो ऐश ये बैटल कैसे जीतेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाली इमेज के अंदर ऐश का गेंगर गाइस वोलू विस्प मूव यूज कर रहा है, और एंड गाइस इसकी बैटल जो गाइस एग्रॉन के साथ भी होने वाली, जो कि काफी मतलब बैटल काफी ज्यादा ऑसम हो सकती है, जो कि हमने प्रीव्यू के अंदर देखा था। एंड वोलू विस्प मूव जो कि ऐश के फायर टाइप पोकेमॉन ने इसे सिखाई है, जो कि स्टील टाइप के खिलाफ गेंगर को अच्छा खासा एडवांटेज देगी। उसके नीचे वाली इमेज के अंदर ड्रैकविश जितना मुझे पता है शायद से ड्रैगन रश या फिर एक्वाजेट मूव यूज कर रहा है, देखने से तो मुझे लगता है ड्रैगन रश मूव ही है, एंड मुझे पता नहीं है किसके ऊपर कर रहा है। एंड गाइज यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है गाइज एश सातोशी स्ट्रेटजी, यानी कि एश की स्ट्रेटजी, नीचे एश की स्ट्रेटजी दी है जहाँ पे लिखा है जी मैक्स जी मू मेगा इवॉल्व पावर दैट कैन बी यूज इन द बैटल व्हाट टू यूज व्हाट टाइमिंग इज डिफरेंट बिटवीन विक्ट्री एंड द डिफीट हाउ फार कैन सातोशीज पावर फॉर, यानी कि गाइज मैच में एक तो हार होती है एक तो या तो जीत होती है। अभी ऐश पे है कि वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा एंड क्या उसे जीत मिलेगी या फिर हार, सब कुछ टाइमिंग का खेल है, ये सब यहाँ पे लिखा है। सो गाइज ये 2 पेज है, लेकिन गाइज हम इन्हें एक ही पेज कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये पोस्टर टाइप हमें देखने को मिल रहा है गाइज, जहाँ पे लिखा है द ट्रम्प कार्ड इज गेंगार सातोशीज अपीयर इन द 4th बैटल पिकाचू यहाँ पे डबल टीम यूज कर रहा है। उसके नीचे लिखा है गाइज दीज थ्री वी आर चूजन बाय ऐश फॉर द बैटल विद स्टीवन, यानी कि ये 3 पोकेमॉन ऐश ने चूज किया है स्टीवन के साथ बैटल करने के लिए। एंड उसके नीचे लिखा है आई लर्न इट अप टू पुट इट ऑन, यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल लाइन है। एंड उसके नीचे का इट्स नॉट फॉर जस्ट अबाउट सातोशी इट्स ऑल्सो अबाउट ड्रैकोविश, यानी कि इस मैच के अंदर जो गाइज ड्रैकोविश के ऊपर अच्छा खासा रोल रहने वाला है शायद से ड्रैकोविश के अंदर, ड्रैकोविश का हमें कुछ अलग सा इवोल्यूशन देखने को मिले, यानी कि इवोल्यूशन यानी कि मैं इवोल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर मतलब इसकी शायद से कोई न्यू मूव या फिर हमें कोई अच्छी खासी इसकी बैटल देखने को मिलेगी, बिकॉज ड्रैकोविश के अंदर कोई भी ज्यादा एपिसोड फोकस नहीं
नहीं रखा, ये एपिसोड तो अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए। एंड गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, तो इससे ध्यान से देखना एंड सुनना भी। तो गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है मास्टर्स टूर्नामेंट व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा। उसके नीचे लिखा है द फर्स्ट गेम ऑफ सेमीफाइनल इज लियोन वर्सेस डियांटा, जो कि हमें पिछले एपिसोड के अंदर कन्फर्म कर दिया गया बिकॉज लैंस एंड जो उसका अपोनेंट था एलन दोनों हार चुके हैं एंड डियांटा एंड लियोन जीत चुके हैं, तो सेमीफाइनल के अंदर इनकी फर्स्ट मैच होने वाली है। एंड उसके नीचे लिखा है लियोन हैज अ शो ओनली टू पोकेमॉन एंड ऑन हिज हैंड गलार सुपरस्टार वर्सेस ग्लोबल एक्ट्रेस हु विल बी विन, यानी कि गाइस जो लियोन के सबसे अच्छे मतलब सबसे अच्छा उसका ट्रम्प कार्ड यही है कि गाइस एलन को उसने सिर्फ दो पकवान के साथ हरा दिया, तो उसका तीसरा पकवान कौन सा वो एक मिस्ट्री है। एंड गाइस गलार का सुपरस्टार है वो एंड उसका अपोनेंट में हमें देखने को मिलेगा इस ग्लोबल सुपरस्टार डियांटा गाइस, जिसने तीनों पकवान तो यूज किया लेकिन गाइस काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, कैलोस के चैंपियन है, तो काफी अच्छी मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। एंड उसके नीचे ऐश के बारे में कुछ लिखा, यहाँ भी लिखा इफ सातोशी कैन बीट स्टीवन ही विल बी एडवांस टू द सेमीफाइनल्स, यू विल फेस आयरिस और सिंथिया, यानी कि गाइस आयरिस और सिंथिया इनमें से फिक्स हो चुकी है। गाइस सिंथिया ये ओल्ड वाला था कुछ, इसलिए गाइस यहाँ पे इनको पता नहीं अभी तक यहाँ पे सिंथिया जीत चुकी है, तो सिंथिया सेमीफाइनल में जा चुकी है। आई कांट अफोर्ड टू लूज, यानी कि ये सब ऐश कह रहा है विदाउट पुटिंग आउट थ्री पोकेमॉन दैट हैवंट कम इन टू द प्ले इट, मैं जब तक मेरे तीनों पोकेमॉन के साथ नहीं खेलता मैं नहीं हारूंगा, ऐसा ये सब कुछ ऐश कह रहा है। उसके बाद में उसके तीन पोकेमॉन देखने मिले जो कि ड्रैगनेट लुकारियो एंड सर्पिच, जो कि है गाइस उसके सेकंड राउंड के पोकेमॉन। फर्स्ट राउंड के अंदर उसने पहले उसके तीन पोकेमॉन यूज करे, सेकंड राउंड के अंदर उसके ये तीन पोकेमॉन यूज करेगा जो कि होंगे ड्रैगनाइट लुकारियो एंड सर्फिश। एंड नीचे ऐश के सारे मैकेनिज्म है, सबसे नीचे है गाइस जी मैक्स गेंगार, उसके नीचे जीमो वाला पिकाचू एंड जीमो वाले पिकाचू के ऊपर हमें ऐश का मेगा बॉन्ड लुकारियो देखने को मिल रहा है। यहां पे लेकर ऐश कहता है विद एवरीवनस पावर लेट्स विन, यानी कि सबके ताकत के साथ चलो जीते। एंड उसके ऊपर गाइस डियांटा के साथ डियांटा के बाजू में एक टेक्स्ट था जो कि मैंने मिस कर दिया, तो यहां पे लिखा है विल द ट्रम्प कार्ड विन अगेंस्ट गार्डिवर स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन अगेंस्ट चैंपियन गार्डिवर इज अ ट्रम्प कार्ड ऑफ डियांटा, यानी कि चैंपियन के सामने गार्डिवर उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है डियांटा का। सो गाइस ये है दो लास्ट पेज जो कि मैं एक ही के अंदर कवर करूंगा। तो सबसे ऊपर लिखा है मास्टर्स टूर्नामेंट यू कांट मिस वन, इट्स जस्ट अ सीरीज ऑफ द क्लाइमैक्स बैटल्स। एंड उसके नीचे लिखा गया इट विल बर्न इनसेनली। एंड उसके नीचे लिखा गया हर कोई चैंपियन है, सभी गेम चैंपियन टीम चैंपियन टाइम है। जी हाँ गाइस सर के सारे जो ट्रेनर से अलग अलग रीजन के चैंपियन है, तो सभी बैटल्स चैंपियंस टाइम ही होगी। एंड उसके नीचे लिखा इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइडिंग मैच इन द वर्ल्ड, The world is unfolding from the first game. Everyone, not just mention Leon, the strong man of the hot champion class. यानी कि सारे के सारे मेंबर जो गाइस चैंपियन है, लेकिन गाइस जो मतलब जो लियोन है वो सबसे हॉट चैंपियन है गाइस बिकॉज वो सबसे पावरफुल है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। एंड गाइस इसके साथ ये सब कुछ होता है एंड बाकी गाइस सारे के सारे जो है बैटल्स के छोटे छोटे सीन है जो कि गाइस लैंस वर्सेस डियांटा, लियोन वर्सेस एलन, एरिस वर्सेस सिंथिया, इन सबके बैटल्स के कुछ सीन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइस दैट्स फॉर द वीडियो, मुझे पता है कुछ कुछ चीजें मैंने जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दी लेकिन उसके अंदर ज्यादा गोल गोल घुमाने के लिए कुछ नहीं था। एंड गाइस अगर बीच बीच में अगर आपको कहीं पे बैकग्राउंड नॉइसेस आई होंगी तो मुझे माफ कर देना बिकॉज यार यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मेरा सर खुद फटा जा रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यार मेरी आप सिचुएशन समझ भी नहीं सकते, सो आई एम रियली सॉरी। एंड गाइज अगर आप मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, अगर गाइज आपके पास कोई न्यू अपडेट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। वीडियो के लास्ट में जो पॉकेट क्विज है उसका आंसर भी आपको कमेंट्स के अंदर दे देना है, तो कमेंट्स करने के लिए बहुत कुछ है, जल्द से कर दो। एंड वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना पॉकेट जर्नी से जुड़ी हर अपडेट्स पाने के लिए। मतलब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।